दोस्तों नासा की एक टीम है जिसे द एडवांस प्रोपल्शन फिजिक्स लेबोरेटरी और ईगल वर्क्स लेबोरेटरीज के नाम से भी जाना जाता है। ये टीम अलग अलग थ्योरीज के बेसिस पर स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन सिस्टम को बनाने के एक्सपेरिमेंट का काम करती है। ये टीम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसका नाम है एंटरप्राइज। ये टीम वॉर्प ड्राइव फील्ड को जनरेट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वॉर्प ड्राइव के लिए स्पेसक्राफ्ट के चारों तरफ बने बबल को इनॉर्मस अमाउंट में नेगेटिव एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये एनर्जी पूरी यूनिवर्स के मास के इक्विवेलेंट होगी, जो कि असंभव है। लेकिन एडवांस प्रोपल्शन टीम लीड हेराल्ड जी व्हाइट उन एक्सपेरिमेंट्स पर काम कर रहे हैं जिनसे वॉर्प ड्राइव के लिए कम से कम नेगेटिव मास की जरूरत पड़े। इसे अचीव करने के लिए वॉर्प ड्राइव बबल की शेप को टॉरस या कह सकते हैं कि डोनट शेप में जनरेट करने का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ताकि नेगेटिव एनर्जी जनरेट करने के लिए कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। ऐसा करने से वॉर्प फील्ड एफिशिएंट होगी और 10 मीटर डायमीटर का शेप लाइट की स्पीड से भी 10 गुना तेजी से ट्रैवल कर पाएगा और इसके रिंग्स नेगेटिव एनर्जी को एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए शिफ्ट करते रहेंगे।